लाठी लेके पीछे खड़ा है, 2024 में उनको प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे। लाठी लेके पीछे खड़ा है, 2024 में उनको प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे। मोदी जी हट जाएंगे तो राजस्थान बंद हो जाएगा क्या? कि भारतीय जनता पार्टी कोई अपना घर से पॉकेट से कोई एमपी एमएलए राशन बांट रहा है क्या? तो लोग अब समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन। हम लोग का भारतीय जनता पार्टी तो हमारे वीआईपी पार्टी को तोड़ के बीजेपी ने बहुत गंदा काम किया है। बीजेपी जो आप भारतीय जनता पार्टी मत बोलिए, उसको बोलिए कि भारत बड़का झूठा पार्टी। किसी जनता का दुख दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार जी का चेहरा लेके यहाँ पे 37 सीट 38 सीट जीते आ रही थी। आज के दिन में नीतीश कुमार जी उनके साथ है नहीं, अकेले जरा सा लड़के इनके साथ है कौन? वर्तमान के सांसद भी उन्हीं का, मुजफ्फरपुर का, उसके बाद भी वोट नहीं दिलवा पाया बीजेपी भारतीय जनता। नरेंद्र मोदी जाने अपना, नरेंद्र मोदी जी जो बो रहे हैं फसल तो काटेगा ना। दो आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार को आप नए रूप में देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने कफन पे भी टैक्स लगा दिया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बीते दिनों बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। बिहार में एनडीए की सरकार थी, लेकिन एनडीए की सरकार गिर गई और महागठबंधन की सरकार बन गई। एनडीए के हिस्सा रहे मुकेश सहनी की पार्टी से भी राय जानना जरूरी है कि भाई उनका क्या राय है, तो उनके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं का श्राप भाजपा को लगा है कि भाजपा बिहार से चली गई। आप लोगों का श्राप लग गया, नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है आज के दिन में सचमुच जो बीजेपी जो आप भारतीय जनता पार्टी मत बोलिए, उसको बोलिए कि भारत बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी जो करती बोलती है वो करती नहीं है। आप अनुमान लगा लीजिए कि 2014 से 2024 के बीच में हर एक लोगों को आप महंगाई के बारे में सोचिए कि महंगाई जो है जिस तरह से आज भागा है, हर एक गरीब गुरबा किस तरह से जी रहा है खा रहा है, आप सोच नहीं सकते हैं कि जिसका 15,000 रुपया तनख्वाह है वो किस तरह से अपना घर को चला रहा है, क्या कर रहा है। उसके अंदर जाके आप देखिए उसके घर के हालत, स्कूल का वो फीस देगा कि तेल का तेल खरीदेगा कि दाल गायब हो गया, सारा चीज़ जो है। दूसरा चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमारे वीआईपी पार्टी को तोड़ के बीजेपी ने बहुत गंदा काम किया है। हमारे पार्टी को तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया? कि अपने आप को बड़ा दल साबित करने के लिए, कि कभी भी राज्यपाल महोदय अगर उनको बुलाए सरकार बनाने के लिए तो उनको पहले बुलाए। दूसरा यही काम जनता दल यूनाइटेड के साथ कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ लिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, उठा के पटक दिए। एक बात बताइए, मुकेश सहनी अब किसके साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं? एनडीए तो आप लोग छोड़ चुके हैं। आज के दिन में हमारे आदरणीय नेता, हमारे पार्टी का जो निर्देश है सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी का, हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ आज के दिन में उनके पीछे हम लोग लाठी लेके खड़ा हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल ये है कि मुकेश सहनी लगातार कह रहे थे कि भाजपा धोखा दे रही है, अब जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका भी कहना है कि भाजपा धोखा दे रही है, लेकिन भाजपा का कहना है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है बिहार की जनता को और भाजपा को। ये भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मतलब है कि बिहार में किस तरह से हम 35, 36, 38 सीट जीत के चले जाए। किसी जनता का दुख दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार जी का चेहरा लेके यहाँ पे 37 सीट 38 सीट जीतते आ रही थी। आज के दिन में नीतीश कुमार जी उनके साथ है नहीं, अकेले जरा सा लड़के इनके साथ है कौन? वीआईपी छोड़िए दिया, ब्रह्मर्षि महासंघ के लोग छोड़िए दिया, बोचाहा में क्या हुआ आप देखवे किए? बोचाहा में किसको कितना वोट आया तो सामने छिपा हुआ है। हमारे पार्टी, हमारे सन ऑफ मलाह आदरणीय मुकेश सहनी जी का चेहरा देख के 30,000 वोट आया, अकेला एकमात्र नेता जो पूरे देश के निषादों की आवाज़ हैं। अब बीजेपी 42,000 वोट लाई, सारे मंत्री सारे विधायक, वर्तमान के सांसद भी उन्हीं का, मुजफ्फरपुर का, उसके बाद भी वोट नहीं दिलवा पाया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को। तो लोग अब समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन। हम लोग का एक ही मकसद है कि किसी
तरह 2024 में हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखें। मुकेश सहनी ने बधाई दिया, 100% बधाई दिया। हाँ। कल भी दिया, परसों भी दिया, आज भी, आज के अखबार में भी छपा हुआ है। श्री को फोन किए थे क्या? टेलीफोन किए थे कि नहीं किए थे उसकी मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक आके अपने ट्विटर अकाउंट से और प्लस सारे जितने भी प्रमुख अखबार है उसमें बधाई उनके बयान छपा हुआ है। मिलने जाएंगे तेजस्वी? एकदम, क्यों नहीं जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मोकामा में उपचुनाव जो हो रहा है उसके बारे में। मोकामा में उपचुनाव हो रहा है और राजद जेडीयू एक हो चुकी है, यानी उनका जो कैंडिडेट है वो फिक्स है, अनंत सिंह की पत्नी। आपका भी, आप भी अपना कैंडिडेट उतारने वाले हैं और आपकी टक्कर भाजपा से अब होने वाली है। देखिए, हमारे जो मोकामा में पहले नोटिफिकेशन अभी निकल जाए। हाँ। नोटिफिकेशन निकला नहीं है, इसकी रणनीति तैयार किया जा रहा है। तो इसका वहाँ पर चुनाव कैंडिडेट देगा, पार्टी देगी, तो ये पूरा अधिकार हमारे सनोप मला आदरणीय मुकेश सहनी जी पे है। वही निर्णय लेंगे, कैंडिडेट देंगे, क्या करेंगे, आगे करेंगे। लेकिन आज के तो आप लोगों ने कर लिए। दिन में हमारे पार्टी का स्टैंड है कि हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ लाठी लेके पीछे खड़ा है। 2024 में उनको प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी का क्या होगा? नरेंद्र मोदी जाने अपना, नरेंद्र मोदी जी जो बो रहे हैं फसल तो काटेगा ना। 2014 से 2024 का 10 साल का हिसाब मांगेगी जनता। और जब ऑडिट करेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी जाके कि 10 साल में आपने महंगाई कहां से कहां पहुंचा दिया, बेरोजगारी कहां से कहां आपने पहुंचा दिया, बिहार का विशेष राज्य की दर्जा आपने नहीं दिया, जो भी पेंडिंग काम है ये आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार को आप नए रूप में देखिएगा। आप लोग इतना बोलते हैं लेकिन भाजपा के जो मंत्री हैं वो जब भी अपना भाषण शुरू करते हैं वो नरेंद्र मोदी से ही शुरू करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को फ्री में राशन दिया, गरीबों को पैसा दिया, बेरोजगारों को रोजगार दिया, बिहार को इतना सब कुछ दिया और आप कह रहे हैं कुछ नहीं दिया। राशन नरेंद्र मोदी जी हट जाएंगे तो राशन बंद हो जाएगा क्या? कि भारतीय जनता पार्टी कोई अपना घर से पॉकेट से कोई MP MLA राशन बांट रहा है क्या? वो जनता का पैसा जनता के पास जा रहा है। जो टैक्स एक साबुन खरीदते हैं उसमें भी आप टैक्स देते हैं श्रीमान। पेट्रोल जो भरवाते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं। कोई ऐसा चीज़ है कि बिना टैक्स का है? भारतीय जनता पार्टी ने कफन में भी टैक्स लगा दिया, बाद में जब पता चला शर्म के मारे जो है अभी कफन में सुनते हैं टैक्स हटाया गया। लेकिन कुछ राज्य में भी कफन में टैक्स ले ही रहा है जहाँ भाजपा शासित राज है। तो आप सोचिए कि इनकी मानसिकता क्लियर नहीं है। इनकी मानसिकता है धर्म के नाम से लड़ाना, इनकी मानसिकता है किसी तरह से हम राजपाट अपना कब्जा करके रखना। जनता से भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि महागठबंधन में VIP को जगह मिलेगा या फिर बुलाया जाएगा तो मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल होंगे? क्योंकि जीतन राम मांझी तो शामिल हो गए हैं, अब बचे मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी शामिल होंगे? हम फिर से कह रहे हैं आज के दिन में हमारी पार्टी जो है VIP पार्टी, नाव छाप जो है तीर छाप के साथ है, नाव छाप तीर छाप के साथ है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग उनके पीछे लाठी लेके खड़े हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे 2024 में, ये हमारा संकल्प। कौन होगा मुख्यमंत्री? कौन 2024 में देखा जाएगा, वो तो निर्णय होगा तेजस्वी। वो तो बात की चीज़ है। 2024 में कंफर्म नहीं, मुख्यमंत्री कंफर्म, वो 2000 हाँ प्रधानमंत्री हम कंफर्म कर सकते हैं। हाँ। कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। आप विश्वास कीजिए वो बनेंगे, उनसे बड़ा सेक्युलर चेहरा इस देश में कोई नेता का नहीं है। चलिए, तो देखिए मुकेश सहनी के पार्टी के VIP पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि ये नीतीश कुमार के साथ लाठी लेके उनके पीछे खड़े हैं और 2024 में उनको प्रधानमंत्री बनाना है। यानी सभी विपक्षियों पार्टी ने ये ठान लिया है कि अब देश से नरेंद्र मोदी को हटाकर वहाँ पर नीतीश कुमार को बैठाना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टॉप।